फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो पूरी पर्दे से कवर हो गई है, तैयारी हो चुकी है। गैस करो गाड़ी कौन सी है, अभी जस्ट डिलीवर। वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं शाहजहांपुर के लिए एंड घुसते हैं अंदर, तो इसी में ऑलमोस्ट सब लोग इसी में जाएंगे। वो निकल रहे हैं यहाँ से। सो बीच में हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे, और यहाँ आप देख सकते हैं ये रास्ता उधर से जाती है वर्स डायरेक्ट वाली, एंड बीच में यहाँ पे रुके हैं हम लोग। ये जो ढाबा है यहाँ पे चेरा ढाबा, ये यहाँ पे कई सारे हैं यहाँ पे ब्रांड। उधर अंदर नहीं लगेगी, अंदर नहीं लगेगी, नहीं लगा दो। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं टाटा के शोरूम पे। ये है टाटा का शोरूम, एंड फाइनली पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सो फाइनली ये गाड़ी है जो हम लोग डिलीवर करने जा रहे हैं, मतलब डिलीवरी लेने जा रहे हैं जिसकी। तो ये है टाटा टिगोर नई, अपनी इसकी डिलीवरी होने वाली है अभी, पीडिया आईडिया सब हो गई है एंड बाकी चीज़ें देखो वाली ज़रा। सो ये है इनका, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं शाहजहाँपुर से। तो बाकी गाड़ी का लुक कुछ ऐसा है फर्स्ट लुक, बाकी अभी जब ओपन होगी डिलीवरी होगी तब देखेंगे बाकी का पार्ट। फिलहाल ये है यहाँ की टाटा मोटर्स मोटोकॉर शाहजहाँपुर, बाकी ये है इनका शोरूम कुछ ऐसा। सो यहाँ पे काफ़ी गाड़ीज़ हैं, ये देख सकते हैं इनकी पार्किंग है अच्छी खासी, एंड बाकी ये इनका शोरूम है पूरा। बस तो भगवान भी खुश है शायद। बाकी ये इसकी हेडलाइट है देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी हेडलाइट है देख सकते हैं आप लोग। सो बाकी दूसरी तरफ की हेडलाइट देखिए। देख सकते हैं फैम, ये इनके ओनर है एंड बाकी फैमिली को भी खुश है, ये गाड़ी अपनी ही फैमिली में ऐड हुई है एक। ये है इसका अंदर का पार्ट एंड बाकी ज़रा लाइट ऑन कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी। सो ये इसके अंदर का है, ज़रा ये बंद कर लेते हैं एंड बाकी गाड़ी बैठने में पूरी अच्छी है एंड बाकी ये सिस्टम है ऑटोमेटिक ये दिया हुआ है एंड बाकी ये बहुत तेज़ हवा आने लगी थी एकदम से एंड बाकी ये स्क्रीन दी हुई है अच्छी का सही है काफ़ी, स्क्रीन भी सही है एंड बाकी ये इसके एसी वेंट्स हैं देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सीटिंग कितनी अच्छी है एंड फिलहाल लाइट बंद करो। सो ये इसकी हेडलाइट है, मतलब जो डिस्प्ले है इस पर काफ़ी चीज़ें दिखती हुई है एंड देख सकते हैं काफ़ी स्मार्ट है ये एंड डिजिटल मीटर है सबसे बड़ी बात, तो ये चीज़ जो है इसकी डिजिटल मीटर इन लोगों ने दिया है प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होता है जैसे कहते हैं एंड बाकी मेरे हाइट हिसाब से ये गाड़ी भी सेट नहीं है तो थोड़ी सी इसे नीचे कर लेते हैं हल्की सी यहाँ से, इसमें नीचे करने वाला भी एंड ओआरवीएम कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, वन टच विंडो कंट्रोल ये भी दिया हुआ है एंड ऑटोमेटिक
ये भी दिए हुए हैं जो अब खुल जाते हैं। बाकी स्पीकर्स हैं ये एंड ट्विटर वेटर सब दिया हुआ है। बाकी एसी वेंट्स इसमें अच्छे खासे मैंने को दिख रहे हैं एंड बाकी ये सीट मुझे कंफर्टेबल तो लगी अच्छी खासी एंड काफ़ी जगह है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जर हैं इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक टाइप सी का यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। बाकी कुछ रखने की जगह दे रखी है। बाकी यहाँ पे एक 12 वोल्ट का एक और चार्जर है। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स है। हाँ बाकी अब चलते, स्टेयरिंग खूब अच्छा सा है एंड आप काफ़ी इसमें ये कर सकते हैं, हॉर्न भी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग है स्टार्ट करने पे। बाकी ये चीज़ इसमें दी हुई है स्टार्ट स्टॉप बटन, सो इससे स्टार्ट स्टॉप आराम से, मतलब ये चीज़ बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट में। बाकी ज़रा पीछे चलते हैं, बाकी चलते हैं ज़रा पीछे वाली पार्ट। सो ये है इसका पीछे वाला पार्ट एंड सो पीछे वाला पार्ट भी कंपल्सरी, मैं 518 का हूँ। सो मैं 518 का हूँ तो अप्रॉक्स की इधर भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं अच्छे खासे एंड बाकी ये स्पीकर्स हैं, ट्विटर मतलब ट्विटर और स्पीकर्स नीचे हैं। बाकी चारों डोर में दे रखे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी पीछे वाली डोर ये सही है एंड बीच वाली शायद ये वाली कैसी दे रखी है इन लोगों ने, शायद इसका कंपार्टमेंट खुल के निकलता हो ये पार्ट जो दे रखा है इन लोगों ने, जो ये पार्ट जिसे कहते हैं शायद खुल के निकलता हो, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये चीज़ अच्छा, ये ऐसे दे रखी है फ़िलहाल बीच वाला ये एड्रेस, मतलब तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं एंड क्योंकि बीच में ज़्यादा हम है, थोड़ा सा है ये वजह हम जो है थोड़ा सा है। बाकी ओवरऑल ये चीज़ बहुत बढ़िया है एंड देख सकते हैं बाकी हुक्स एंड बाकी बीच में लाइट्स एंड एक चीज़ कमी है इधर वाले में, लाइट्स कम है। बाकी ओवरऑल सही है। बाकी पीछे वाला पार्ट ये है और बाकी नॉर्मल पार्ट एंड अब चलते हैं ज़रा बाहर। निकलना और चढ़ना बहुत आसान है जिसे कहते हैं एंड सबसे बड़ी बात ये जो आगे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, इसमें मिरर दे रखा है, मेरी गाड़ी में तो मिरर भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी ज़रा कीज़ निकाल लेते हैं, बाकी ज़रा इस गाड़ी की भी डिलीवरी भी होनी है, चलते हैं कीज़ लेके। बाकी निकाल लो, ये लो चाबी, निकालना। बाकी इन लोगों ने सीट कवर दे रखे हैं ना, सीट ये अच्छा वो है, पूरा कवर है, बॉडी कवर। और स्पेस कितनी है इसकी? ये 23 लीटर। चलो ठीक है, काफ़ी स्पेस है। एक आदमी तो लेट ही जाएगा कम से कम। बाकी बारिश हो गई है ऑन द टॉप एंड और अब इसकी खूबसूरती कुछ अलग से ही लग रही है क्योंकि बारिश में कोई भी चीज़ अच्छी भी लगती है ज़्यादा। सो चलते हैं फिलहाल इसके डिलीवरी लेते हैं एंड चलते हैं जरा शोरूम के अंदर, देखते हैं बाकी चीज़ें बाकी कार्स क्या क्या हैं अंदर। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो इसमें पर्दे में जा चुकी है, पूरी पर्दे से कवर हो गई है ऑलमोस्ट एंड तैयारी हो चुकी है। गेस करो गाड़ी कौन सी, अभी जस्ट डिलीवरी अपनी होने वाली है पूरी एंड सो रेडी हो चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे शोरूम भी कुछ क्लिप्स लेनी थी तो वो भी रिकॉर्ड कर ली मैंने एंड शोरूम काफ़ी अच्छा था, अंदर से कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी एंड बाकी ये रही अपनी गाड़ी एंड अब थोड़ी देर बाद हम लोगों ने केक मंगाया था क्योंकि केक वहाँ पे था नहीं तुरंत क्योंकि बारिश हो रही थी। सो कुछ फ़ोटोज़ होने लगी, जब तक फोटोज़ हो रही थी एंड जब तक थोड़ी देर में केक लेके आ गए वो लोग एंड देख सकते हैं वो टेबल पे केक रखा हुआ है। बाकी अरेंजमेंट्स हो गई सारी दिया या पूजा वूजा के लिए। बाकी डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हुआ। बाकी मेन जो ओनर हैं और शॉप के जो ओनर हैं उन लोगों ने की हैंड ओवर करी एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स जो मेन जितने भी होते हैं, बाकी अपने मेन फोटोग्राफ्स स्टार्ट हुई फिर उसके बाद एंड ये जो प्रोसेस होती है सब लोग कपड़ा उठाने वाले डिलीवरी वाली, ये तो अलग ही मज़ा है इसका। बाकी हो गई ये भी अच्छे से एंड उसके बाद ये जो
वारंटी पेपर्स, ये सब चीज़ें जो दी जाती हैं आप सब बहुत सारे लोग पता ही होगा जिन लोगों ने गाड़ी की डिलीवरी ली है। सो ये सब चीज़ें हैं, प्रोसेस एंड ईयर वारंटी, ये सब चीज़ें, चीज़ों की वारंटी एंड की फाइनली की हैंड ओवर हो गई। एंड बाकी अब स्टार्ट होगा पूजा प्रोसेस जो थोड़ी देर में आने वाला है। एंड सो ये स्टार्ट हो गया पूजा प्रोसेस, तो मम्मी आंटी एंड एक और आंटी तिलक लगा रही थी एंड बाकी स्वास्तिक का निशान बना रही थी ताकि गाड़ी निकल सके शोरूम से। बाकी प्रोसेस चालू हो रही थी एंड थोड़ी बहुत पूजा वूजा, सो पहली वाली गाड़ी निकलने की नई गाड़ी की पूजा से होती है अपने आप। बाकी कुछ मोमेंट्स फैमिली वाले सो स्पेशल जो होते हैं। बाकी छोटा बच्चा ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, कांड से केक खाने की बहुत जल्दी भी थी तो इसे केक पहले खिलाया गया, वैसे काट पीट के पहले ही काटने वाला था लेकिन थोड़ी देर रुक गया, वो अच्छा ही था। फिलहाल मिल गया इसको केक एंड बाकी सब हैप्पी हैं, देख सकते हैं आप लोग। एंड बाकी की कुछ और फोटोज बची हुई हैं, सो बाकी केक की कटिंग तो ऑन ही थी। सो बाकी ये फैमिलीज की जो क्लिपिंग्स हैं वो कभी ख़त्म होती नहीं है, आप जितने फैमिली मेम्बर्स लेके आए उसके हिसाब से रहती ही रहती है। एंड बाकी ये वाला मोमेंट तो बचा ही बचा है अभी एंड बाकी क्लिप्स एंड ये देख सकते हैं आप केक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बाकी ये स्पेशल मोमेंट जो फोटोज़ पहले उसकी छोटे के वो फिलहाल एंड ये कुछ फ़ोटोज़ जो बची थी वो भी हो रही हैं अभी यहाँ पे। एंड बाकी अभी थोड़ी देर में सारी फ़ोटोज़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं, जितनी बची थी वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट खिंचा ली। सो अपनी गाड़ी फाइनली रेडी हो चुकी है बाहर निकलने के लिए, सो अब जस्ट की लेने जा रहे हैं एंड की मिलते ही इसे स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर पीस को एंड फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से अब गाड़ी बाहर निकल रही है शोरूम से, बाकी देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड जो जगह थी काफ़ी कम थी, सोचा मैंने सोचा इन्हीं लोगों को निकाला था वरना ये लोग लगाएंगे कुछ, ये हो गया वो हो गया, सो फिलहाल ये लोग निकाल रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी लग रही है मेरे साथ एंड एक एक पार्ट अच्छा लग रहा है। एक रात में वो चीज़ नहीं आ पाई लेकिन तब भी बहुत बेहतरीन लग रही। फ़िलहाल ये बाहर लगा रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे इनका बोर्ड है डिलीवरी वाला, जो ये मेन लगा हुआ है, मतलब अब हर कंपनी की तरफ से अपना अपना लगता है, सो वही लग रहा है वो पार्ट। एंड बाकी यहाँ पे खड़ी हो गई है कुछ शॉट्स यहाँ। सो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है एक ईवी का प्रॉपर टाटा का डीसी फास्ट चार्जर जो कि मैंने पहली बार देखा है। एंड प्रॉपर ये स्टार्ट तो नहीं था लेकिन ये कनेक्टेड था कार से क्योंकि कार ऑलमोस्ट चार्ज हो चुकी थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ है। एंड बाकी ये कुछ रात में कुछ ऐसा शोरूम लगता है एंड गाड़ीज़ ऑलमोस्ट बहुत सारी यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिसे जो ज़रूरत हो वो गाड़ी ले सकता है। एंड बाकी ये सर्विस सेंटर है एंड ये जो कुछ निगस्टर पास दिखता है ना वो वाला पार्ट है। एंड बाकी कुछ यहाँ के भी शॉट्स लिए मैंने एंड प्रॉपर यहाँ के भी कुछ शॉट्स लिए ताकि डाल सकें गूगल मैप्स। बाकी ये है गाड़ी का शोरूम, कुछ रात में कुछ ऐसा लगता है। बाकी अपनी गाड़ी ये खड़ी है यहाँ से, अभी बस निकल रहा है क्योंकि प्रॉपर डिलीवरी हो चुकी है। एंड बस बाकी ये कुछ कारें अपनी दो तीन तो खड़ी हुई थी, बाकी जितनी कारें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे जितनी जो चाहिए ऑलमोस्ट सारी या आप मंगा सकते हैं बाकी कारें थी। एंड बाकी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस शोरूम में। एंड बाकी यहाँ से अब थोड़ी देर में अपनी कार उठाते हैं एंड निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड ना, जो यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर भैया जो मोड़ रहे क्योंकि वहाँ पे उधर साइड रोड बनती है। एंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे तीन प्रॉपर बेवकूफ़ हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे निकल रहे हैं, मतलब कोई किसी को इतनी जल्दी हो सकती है ये देखिए ज़रा, मतलब लड़के बहुत इसने लड़ाई करी। एंड ये वहाँ फंस के मतलब जो इधर साइड वो लगा हुआ है ना प्रॉपर बैजिंग लगी हुई है उस पर से निकाल के चढ़ा रहा है, मतलब बेवकूफ़ी की सीमा होती है उसको इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्रॉस कर दिया। एंड बाकी भाई साहब देखे निकले उतनी देर में ही हैं लेकिन लड़ना है। सो फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने अपनी कार स्टार्ट करी एंड अब इस कार को पीछे करते क्योंकि यहाँ पे बहुत कारें खड़ी हुई थी रात में, प्रॉपर दिख तो कुछ नहीं रहा था। सो प्रॉपर जो दिखा मैंने वो साफ, मैंने तो सनसेट्स भी लगे हुए हैं मैं निकालता नहीं क्योंकि मेरी आदत है। सो फिलहाल उसे मोड़ रहे हैं एंड जगह जितनी मिली होती है आदमी कार तो निकाल ही सकता है जितने दिनों से चला ही रहा है, तो फिलहाल
यही निकाल रहे थे यहाँ से, एंड कुछ शॉट्स बाहर से मैंने कहा था अपने भाई से लेने को, सो कुछ अपने कार के भी शॉट्स होने चाहिए, बाकी कार के तो ले ही रहते हैं हम, सो क्योंकि अपनी कार भी कुछ कम अच्छी तो लगती है, ऐसा तो है नहीं कि कलर के मामले में तो सबसे अच्छी ही लगती है। फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी दो कारें अभी आ रही हैं पीछे से, क्योंकि वो अंदर हैं एक दो, और एक उधर अपनी साइड में लगी हुई है। सो ये निकली अपनी गाड़ी जिसमें कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एंड बाकी आने वाली है दूसरी गाड़ी जो कि पहले से ही हम अपने अपन लोग के पास है। सो ये रही दूसरी कार, एंड बाकी एक और गाड़ी है जो कि ये इस गाड़ी की डिलीवरी में ली है, तो ये निकल रही है फाइनली अपने शोरूम से, एंड फाइनली इसको अब आप ज़्यादातर अगर देखेंगे तो रोड्स पे देखेंगे आगे चल के, बाकी कितनी प्यारी लग रही है।